कितने कैटेगरीज हैं आपके? अच्छे से पढ़ो, पढ़ रहे हो? कौन सी बुक पढ़ते हो? सिपल मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मेडिकल सुपरिटेंडेंट सीएमओ साहब हम सब एज ए कम्बाइंड टीम इन सब जगहों पे गए। आप जानते हैं कि अनंतनाग बहुत बड़ा ज़िला है जम्मू कश्मीर का। ये यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत क्रिटिकल है हम सब के लिए। ये सारे साथ कश्मीर को कैटर करता है। इसके अलावा ये नज़दीकी जम्मू डिवीज़न के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के पेशेंट भी कैटर करता है, तो इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी इम्पोर्टेंस है यहाँ के हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस की। और अब चूंकि यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग शुरू हो चुका है और इसलिए पेशेंट रश और बढ़ गया है। एक्सपेक्टेशन पेशेंट्स की है कि बेहतर फैसिलिटीज़, बेहतर सहूलियात मिलें, तो उसी का जायज़ा लेने के लिए और कुछ इश्यूज़ हैं, चंद इश्यूज़ को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं आज आया था अनंतनाग। और आज इन तमाम जगहों पर जाके लोगों से बात की, स्टेक होल्डर्स से बात की और अपने हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और अदर रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स से बात करके कुछ और इश्यूज सामने आए हैं, उनके इजाले में किस तरह से कंबाइंड कलेक्टिवली हम सबको एज अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेते हुए इसको इश्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ देम विल बी सॉर्टेड आउट इन द टाइम्स टू कम। अनंतनाग ज़िला अपने आप में बहुत बड़ा ज़िला है और ज्योग्राफिकली और पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत स्प्रेड है और यहाँ पे अपने ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हैं। कुछ दूर अफ्तादा इलाका जात ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी खासे चैलेंजेस हैं, तो उन सब को मद्देनज़र रखते हुए और ये मद्देनज़र रखते हुए कि अनंतनाग और साउथ कश्मीर के लोगों के लिए दिस इज़ probably the first tertiary care hospital available here in terms of the medical college या बाकी allied hospitals जितने भी हैं उनको और आगे आने वाले वक्त में कैसे augment किया जाए, कैसे facilities upgrade की जाएँ, कैसे doctors, paramedics और साथ साथ health infrastructure development किस तरह से अच्छे तरीके से plan तरीके से कराई जा सके, इस सब का यही पर्पस था। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब का, आपने कुछ इश्यूज़ हाईलाइट किए हैं, उन सब का नोट लिया गया है। आपका हमेशा बड़ा पॉजिटिव रोल रहता है डेवलपमेंट और इस तरह की ओवरऑल सोशल सेक्टर्स के इश्यूज़ को लेके आपका बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है आप सबका हमेशा से, रिवायती अंदर से। मुझे शर्फ भी हासिल हुआ है कि मैं यहाँ डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ बहुत पहले, तो इन इश्यूज़ के इजाले में आप सबका, अनंतनाग की आवाम का ताउन चाहिए होगा और मेरी पूरी उम्मीद है कि ये इश्यूज़ आने वाले वक्त में बहुत आसान तरीके से रिजॉल्व होंगे। अब भी तशरीफ लाए थे वहाँ पे, हम सब गए थे, डी साहब, मैं, डॉक्टर साहब और मेडिकल एजुकेशन के जितना भी अमला है हम सब गए थे। बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोट्रैक्टेड इशू है और इसमें किस तरह से
in the interest of patients, in the interest of patient welfare, patient care, कैसे जो जो इकदाम उठाने पड़ेंगे उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करके बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्लासेस चल रहे हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बाहर से, जो कि हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है कि काफ़ी बच्चे अब चूँकि नीट के ज़रिए से बाहर की स्टेट्स से आते हैं, तो अनंतनाग के वो बच्चे शायद अनंतनाग का इंटेलेक्चुअल कैपिटल बनेंगे और पूरे मुल्क में शायद अनंतनाग के एम्बेसडर्स बनेंगे, और ये उम्मीद है कि वो बच्चे एक अच्छे हेल्थ इंस्टीट्यूशन में और अच्छे फैसिलिटेटरी तरीके से मेडिकल एजुकेशन अपनी कंप्लीट करके जब वो मुल्क में जाएंगे और पूरे मुल्क में सर्व करेंगे, आई थिंक दे विल बी द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ अनंतनाग एंड इट्स वंडरफुल।